हेलो दोस्तों, मेरा सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। इनका मकसद यही है कि उन गांव तक, उन बच्चों तक आर्ट की नॉलेज पहुँचे, आर्ट कल्चर के बारे में जाने। तो आज आप फोक आर्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से एक हाथ से भी कर सकते हो, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसी तरह पेंटिंग करने से पहले हाथों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 बार इस तरह से करें, इस हाथ को भी 2-3 बार इस तरह से करें। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कीजिए, पहले धीरे धीरे सांसें लीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए, ये छोड़िए सांसें को। ऐसे 2 मिनट तक करना है और आपके माइंड में जो अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या सुबह क्या आपने क्या खाया था, क्या देखा था। धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए। तो सोचा आज क्या बनाने वाले, फिर धीरे धीरे आंखें खोली, रिलैक्स हो गए। अच्छा लग रहा है ना आपको, तो शुरू करते हैं। आज एक पेंटिंग बारे में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो है कलमकारी के ऊपर। कलम मतलब पेन, कारी मतलब क्राफ्ट करना। पहले के टाइम पे, जो 3000 साल पहले, ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे ये मिला था, ये आर्ट जो स्टाइल आप देख पा रहे हो, और आज की डेट पे आंध्र प्रदेश पे हो रहा है। लेकिन इसको करने का तरीका है कि बम्बू स्टिक से करते थे, जो लकड़ी की आती है ना उससे, और नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है। पहले के टाइम में जो नेचुरल कलर थे उसको बनाए जाते थे, आज की डेट में जो कलर आ रहे हैं वो थोड़ा केमिकल वाले। भारत देश में अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे रहे हैं। आज के डेट पे देखा जाए जो न्यू जनरेशन है, उसमें आप साड़ियों में देख सकते हो, कपड़ों पे जो आ रहे हैं, इस आर्ट को और बढ़ावा दिया जा रहा है न्यू जनरेशन के तौर पे। इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको, इसको बनाते कैसे ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज हम करने वाले कलमकारी बिगिनर। तो शुरुआत करेंगे मछली बनाते हुए। उससे पहले आपके पास होना चाहिए पेपर, पेंसिल, स्केच पेन। स्केच पेन का यूज़ बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ड्राइंग। उसके लिए आपके पास पेंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मछली। यहाँ 3 मछली बनाएंगे, अलग अलग शेप में, अलग अलग पैटर्न में, मतलब अलग पैटर्न में या अलग अलग उसके डिज़ाइन में करेंगे। कलमकारी में ही डिज़ाइन का ज़्यादा यूज़ होता है, कैसे ये आज की वीडियो में आप देखोगे। तो सबसे पहले फेस का शेप लेंगे इस तरह से। ऐसे लेना है, ठीक है। और इसके पीछे का बनाना है, और ये ऐसा है। अभी मैं शेप से बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत हो दोबारा वैसे बना सकते हो इस तरह से। इसमें जो डिज़ाइन आएगा ना मछली के अंदर, वो मैं आपको स्केच पेन से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको ऐसे आपको ड्राइंग करना है। अगर आपसे गलती हो जाए तो मिटा दे इसको। अब उल्टा मछली बनाएंगे हम। तो उसके पहले यहाँ शेप लेंगे ऐसा, ऐसे करके, एक गमले टाइप हो गया ना, ऐसा कोई गमला आपने देखा होगा वैसा शेप हमने लिया। फिर इस यहाँ पर उसका मुंह बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया था ठीक यहाँ बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब इसका पूंछ बनेगा, एक दो तीन चार ये पांच, फिर यहाँ डंडा दे रही है इसे। इधर भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इधर एक और बनाएंगे इसे, यहीं से कनेक्ट करना और यहाँ से ड्राइंग करना, सेम इधर। बस इतना ध्यान रखना आपको, जो डिजाइन यहाँ बनाओगे वहाँ पर सेम डिजाइन आपको बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक और बनाना है इस शेप में इधर जाते हुए, कैसे, ठीक वैसे ही। तो ये तो कट गया, तो हम इसको दोबारा मिटाएंगे, यहाँ से हम छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, जो पूरा मछली आ जाए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ दो डंडी देंगे इधर, फिर यहाँ पे ये यह मछली का फेस आएगा यहाँ पे सर्कल, फिर सेम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर सेम, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा काम होता है स्केच पेन से डिज़ाइन करना, सिर्फ ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल करना है बस, और कोई सा पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। आपका स्केच पेन है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, पहले एक में बताऊंगा, फिर सेम वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले फेस पे करेंगे, पूंछ से, ये हमने पांच बनाया था ना, पहले इसका आउटलाइनिंग करेंगे, ठीक है, ये कर लिया। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे जोड़ना है इस तरह से, इस जो लाइन दिया था सेम आपको यहाँ ड्रॉ करना है ब्लैक स्केच पेन से, और यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट स्केच पेन से बताया। जैसे आपको आसानी हो करने में, अब ये पूछ है ऐसा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया ना ये, ऐसे शेप में गया, तो आपको भी ऐसे शेप में करना है, इस शेप में, गैप देते हुए आपको ऐसे लाइन देना है, छोटे छोटे डॉट देना, ऐसा आपको सब में करना है। लगता है कि आप आगे पीछे भी ऐसे कर सकते हो, बस डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए आपका, इसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, जिस डायरेक्शन में ये लाइन दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, ऐसे डायरेक्शन में आपको देना, और ऐसे शेप है तो इस तरह से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मछली की बॉडी पे, अब आपको करना क्या है, मछली की बॉडी पे करना है। पहले इसको स्केच पेन से आउटलाइनिंग करें, जब आपको यहाँ तक हो जाए
इसमें डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग कैसा अभी देखते हैं। इसमें एक ऐसा शेप देंगे, इस तरह से आपको लाइन देना है, ठीक है। एक ये हो गया, एक यहाँ पर देना, बस एक दो तीन, एक दो ये गैप हो गया, एक ये बना है। जब आपका ये हो जाए, मछली में होता है ना ऐसा सर्कल देना आपको, सेमी सर्कल या से कैसे तो कर्व देना है, तो इस तरह से आपको आउटलाइनिंग करते हुए चलना है। बड़ा आसान है ना, तो फटाफट करो, मेरे साथ साथ कंटिन्यू रखो। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब आपको बनाना है छोटे छोटे फ्लावर सर्कल ऐसे। इस तरह से सर्कल बनाना, ठीक है। यहाँ जो एक लाइन दिया था, एक और यहाँ देना, आराम से करो धीरे धीरे, और इस तरह से आपको लाइन ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें फिल करना है, जो अपने अभी यहाँ ड्राइंग किया था स्केच पेन से, इस जगह पे सर्कल में फिल करना है। सारे जितने सर्कल यहाँ किए थे सब में से ब्लैक से फिल करना है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब आपको बनाना है ट्रायंगल, जैसे यहाँ बनाया था ऐसा। ठीक है, वैसे फिर क्या, फिर आउटलाइनिंग करेंगे इस तरह से, हो गया। फिर एक और ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, अब यहाँ पर फिल कर देंगे लास्ट में, छोटे छोटे ट्रायंगल बना के आपको फिल करना है, हो गया। चलो फिर एक बार ऐसे आउटलाइनिंग करेंगे, तो ये मछली वाला पार्ट हो गया। अब आँख पे भी ऐसे फिल करते हुए छोटा सा डॉट भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ तक हो जाता है फिर आपको आपको आगे बताता हूँ। इन दोनों पार्टों में, इनमें आपको करना है ऐसे लाइन, थोड़ा सा कर्व है, मुड़ा हुआ था, ऐसे मुड़ा हुआ दिखाना हल्का सा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलो बढ़िया। अब देखो इस फेस में ये शेप दिया हुआ है, ये वाला, तो आपको भी ऐसे छोटे छोटे डॉट देने, इस तरह से, इस तरह से आपको करते रहना, जैसे यहाँ किया है इस वाले शेप में, इस तरह से यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मछली कंप्लीट। अब इसमें आपको आउटलाइनिंग करनी है मछली में, जैसे कि ये देखो इस तरह से, ऐसे आपको करना है। Thank you.
ठीक है, मेरे साथ साथ चल रहे हो? कोई नहीं, आराम से करो। इस तरह से आपको ये पहला फेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों फेस में ऐसे करना है, पहले ये वाला बताऊंगा, फिर आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? चलो फिर भाई, इसको हम बनाते हैं, शेप में देते हैं इस तरह से, कंटिन्यू रखेंगे जैसे पहले किया था, बस करते हुए चलना। बस सेम टू सेम करते हुए जाने, ठीक है? इसलिए मैं रफली हुआ, पर आपको स्केच करके दिखाया था, ड्राइंग करके कि कैसे हुआ। अब आपको करना क्या है, इनमें जैसा है आपको सेम करना है, ठीक है? अब जैसे पहले यहाँ किया था, जैसे इसका आकार है, शेप है, मतलब कर्व हो रहा था, कर देना है आपको डॉट डॉट छोटे छोटे, फिर इधर भी दे सकते हो। इस तरह से फिर नीचे सेम जो यहाँ बनाया था यहाँ पर करना है आपको, कुछ कुछ अलग नहीं, डिजाइन आपको सेम ही रखना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं एक और शेप, यहाँ बनाते ट्रायंगल छोटे छोटे। अरे हाँ, ट्रायंगल से यहाँ तक फील करना भूल गया मैं, इस जगह पे। चलो याद आ गया, अभी अभी अगर मेरी तरह भूल गए हो जैसे, यहाँ पर भी फील कर लो, हो जाता है कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ किया तो यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा छोटे छोटे, ये हो गया। फिर थोड़ा सा गैप देके इस तरह से ज़िगज़ैग कंटिन्यू रखेंगे, फिर से छोटे छोटे बनाना, कोई जगह नहीं तो कोई बात नहीं, अगर जगह हो तो बना देना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल में फील करते हैं, इन सब में फिल करने के बाद फिर यहाँ आते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, छोटे छोटे ऐसे गोले बनाने और फिल करने हैं, ठीक है? इनको फिल करने के बाद आगे बताता हूँ, पहले आप इनको फिल कर ले, जैसे यहाँ किया था सेम ऐसे बनाने, और इस तरह से आपको आगे बढ़ना हो गया। चलो अब यहाँ पर लाइन देना, जैसे यहाँ लाइन दिया हुआ है, ठीक, छोटे छोटे लाइन देने इस तरह से, और ये एक और लाइन आ गया इधर, फ्री वाला शेप देना ऐसे, इसे उल्टा है ना, तो इस तरह से देना ऐसे, फिर इसे इस तरह से करना है, फिर देखने में बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है ये हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ लाइन दिया था यहाँ पे भी लाइन देंगे, ज़्यादा गैप नहीं, छोटे छोटे वाले गैप देंगे और इसको फिल करेंगे। हो गया यहाँ तक, अब आपको करना क्या है, इनको ऐसे कनेक्ट करना है। और ऐसे छोटे छोटे डॉट देने, जैसे यहाँ बताया था ठीक वैसे ही। ठीक है यहाँ तक होने के बाद अगर लगता है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो तो इस तरह से करके आगे आप कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है ये हो गया, अब इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा गैप दे के इस तरह से आपको आउटलाइनिंग करना है। ठीक है ये हो गया, जैसे आपने यहाँ पे किया सेम आपको यहाँ पर करना है, फिर वही शेप लेंगे। ठीक है ये हो गया, इनको थोड़ा सा से लाइन लेंगे कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा गैप इसलिए लगा कि ये वाला लाइन अच्छे से आ जाए, ये वाला। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, कोई अलग नहीं है, जैसे दो बार बनाया दो मछली को इस तरह से बनाया, ठीक है ऐसे करने है सेम। फिर यहाँ लाइन देंगे, अब आराम से कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें, देखे कैसे बनाए मैंने। फिर आपको आगे बढ़ना है, मतलब यहाँ करना है, इस जगह पर लाइन चलाना है, ये दो लाइन, फिर यहाँ ट्रायंगल बनाना है, फिर आपको फिल करना है यहाँ पे। पहले फिल कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भूल जाओगे ना, जैसे मैं भूल गया था पहले। फिर यहाँ सर्कल छोटे छोटे, मैं जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया है, आप भी करोगे आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है अब आपको करना क्या है, ये शेप लेना है ऐसे पतला सा। अब यहाँ जो साइकिल किया था सेम इसको ऐसे आउटलाइन करना इस तरह से, और ऐसे आपको लाइन देना। ठीक है फिर आपको ये करना है, कितना सिंपल है ना, कोई नया नहीं है, जैसे यहाँ क्या सेम वैसे ही करो ना, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ लाइन देना, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, इसको कनेक्ट करना है ऐसे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है ना डायरेक्ट स्केच पेन चलाने में तो पहले पेंसिल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप स्केच पेन चला सकते हो। और आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो स्केच पेन उठाओ और जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करें मेरे साथ, बस जिस तरह का आकार यहाँ जा रहा है मतलब टर्न ले रहा था वैसे आपको टर्न देना है। ठीक है अब इसकी आउटलाइनिंग करेंगे,
इसलिए ये गलती ना करे, ध्यान रखे थोड़ा कि पेपर के अंदर ही आपका पूरा आर्ट बन जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इस पर अब एक कलर ऐड करेंगे, वो कलर है ब्लू। कुछ नहीं, बस फिल करेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे वो कर सकते हो, ऐसे रेड कर सकते हो। अभी आधा रेड बताऊंगा, आधा ब्लू। ठीक है, अब आराम से कर सकते हो, मेरे तो इतने जल्दी में हाथ चला है। उसको घुमा सकते हो पेज को और इनमें फिल कर सकते हो ऐसे। अब एक कलर से भी कर सकते हो, या आपको दो तीन कलर लेने वो भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। यहाँ पर आते हैं, इनमें जो गैप दिख रहा है वहाँ फिल करते हैं। अगर आपको लगता है ये कलर खत्म हो जाएंगे तो दूसरा कलर यहाँ ऐड कर देना। अगर नहीं होते तो एक पेन से भी कर सकते हो, एक कलर ले लो उस पर आप फिल करते रहो। अब कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर कलर, बेस कलर जो होते हैं पेंट वाले, उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कलर पेंट है तो यूज़ करें, नहीं है तो स्केच पेन से कंटिन्यू रखें। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास करने को। फिलहाल तो इसी से ही कर रहे हैं, तो आप भी इसी से करें। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा यहाँ ब्लू ऐड करना है तो देखते हैं, ब्लू ऐड भी कर सकते हो या फिर रेड। देखते हैं यहाँ तक करने को, रेड करता हूँ, रुको यहाँ तक हो जाए, रेड को ऐड करेंगे। तो यहाँ करेंगे ऐड रेड को। आपको दूसरा कोई कलर अच्छा लगता है तो वो भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरे को रेड अच्छा लगा इसलिए मैंने रेड को ऐड किया। जहाँ छोटी छोटी जगह पर ना हो तो आराम से किया करें, जिससे आपका काम खराब ना हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको, क्योंकि बैकग्राउंड फिल कर रहे हो ना, इसलिए बस यहाँ तक तो हो गया। इधर वाला पार्ट बाकी है, इसको ही फील कर रहे हैं। आप भी मेरी तरह मेरी स्पीड पर आ गए हो क्या? नहीं आए, आ जाओ फटाफट। अब इतनी देर से अब यही देखो कि इसको फील कैसे करते हैं। यहाँ था पहले, यहाँ फील करें फिर नीचे जाएंगे। इतनी तेजी से मत चलाना कि पेज ही फाड़ दो, आराम से करना। तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ये होने वाला हमारा कंप्लीट। अगर आपको यहाँ तक हो गया तो बढ़िया, आराम से कंप्लीट करें। जो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको ये आपको दिखेगा। अभी लग रहा है ना कितना सुंदर है। मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा, आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।